राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों का दौर जारी है। दांडी मार्च के समापन अवसर पर शुक्रवार को प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें गांधीवादी और स्वयंसेवी संस्थाओं ने शिरकत की, साथ ही अनेक प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के संयोजक हिमांशु शर्मा ने बताया कि इस अवसर पर राष्ट्रपिता पर आधारित फिल्म भी दिखाई गई, साथ ही कोरोना महामारी से बचाव को लेकर भी कार्यक्रम किया गया। यहां अतिथियों के रूप में अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा और SDM योगेश कुमार। 150वीं जयंती समारोह पिछले लगातार दो वर्षों से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण राजस्थान के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक ब्लॉक में, फिर जितने भी ब्लॉक्स बने हुए हैं उसमें संयोजक और सह संयोजकों के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने जिस तरह देश को आज़ादी दिलाई थी वो आज युवा पीढ़ी को एक संदेश दिया जा रहा है। इसी क्रम में अगस्त क्रांति सप्ताह भी मनाया गया था और इस अवसर पर दांडी यात्रा का समापन के अवसर पर जिस तरीके से महात्मा गांधी ने 78 यात्रियों के साथ में जो ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे देशवासियों पर नमक का जो कर लगाया था उससे आम जन की और हमारे देश की कमर टूट कर रह गई थी, तो उसके विरोध स्वरूप जो उन्होंने दांडी मार्च निकाला। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अहमदाबाद से एक दांडी गांव में वहां पहुंचे और वहां उन्होंने कसम खाई, सच का सामना किया और नमक भर मुट्ठी से लेकर आंदोलन किया, ब्रिटिश सरकार के चूल्हे हिला दी। वो जो आज ये प्ले करके ये बताया जा रहा है, आज इस तरह के कार्यक्रम इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि युवा पीढ़ी को ये पता पड़े कि किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने, हमारे क्रांतिकारियों ने किस तरह देश को आज़ादी दिलाई। इसी तरीके के कार्यक्रम लगातार 2023 तक जारी रहेंगे।